आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं और आज हम उनसे बात करेंगे निरोग स्ट्रीट क्लिनिक के बारे में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। निरोग स्ट्रीट क्लिनिक के बारे में आप कुछ बातें बताएं, यहाँ किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, इस क्लिनिक पे मैं एज ए पंचकर्मा स्पेशलिस्ट अपना कार्य कर रहा हूँ। हमारे इस क्लिनिक पे पंचकर्म, क्षार सूत्र और आयुर्वेद के विभिन्न अलग अलग रोगों की चिकित्सा जो है यहाँ पे उपलब्ध है और अलग अलग आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे सेंटर पर उपलब्ध होते हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा सेंटर है। आयुर्वेद में ये चीज़ एक विशेष रूप से नई है। ज़्यादातर लोगों की मानना या अवधारणा ये है कि आयुर्वेद में मल्टी स्पेशलिटी टाइप का कुछ नहीं होता है, तो हम लोगों ने निरोग स्ट्रीट के मंच के माध्यम से आयुर्वेद में मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा को आरंभ करने का कार्य शुरू किया है, जहाँ पे आयुर्वेद के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं हमारे सेंटर पे आते हैं और वो अपना उपचार जो है रोगियों को देते हैं। ओके, अभी तक आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह के पेशेंट आते हैं, उनकी क्या उनका क्या रिस्पांस है? यहाँ पे अभी तो हमारे यहाँ पंचकर्म और विशेष रूप से क्षार सूत्र के जो हैं चिकित्सा के लिए रोगी जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। क्षार सूत्र जो है एक एनोरेक्टल चिकित्सा पद्धति है, जो कि आयुर्वेद की एक पुरानी पद्धति है, जिसमें पाइल्स, फिस्टुला, फिसर टाइप के जो रोग हैं वो यहाँ पे ट्रीट किए जाते हैं और इसके क्षार सूत्र विशेषज्ञ ही हमारे यहाँ पे इसका उपचार करते हैं। आयुर्वेद के बारे में ऐसी आम धारणा है कि आयुर्वेद बहुत ही धीमी गति से काम करता जी। है, लेकिन मैंने आपका लेख पढ़ा, आपका कहना है कि आयुर्वेद सबसे तेज है जी। कैसे तेज है ये, इसमें एक्चुअल में क्या है कि लोगों के बीच में ये भ्रांतियां कैसे पनपी ये तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन ये इसमें लोगों के बीच में एक अवधारणा बन चुकी है कि आयुर्वेद बहुत स्लो है। लेकिन इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर कोई रोग है, जैसे कि अगर किसी को दो दिन पहले जुखाम हुआ है और वो दो दिन के जुखाम के बाद आयुर्वेद में उपचार कराने आ रहा है, बुखार हुआ है या कोई इसी तरह की सामान्य समस्या जैसे कि उसे दस्त वगैरह हुए हैं, तो वो अगर आयुर्वेद में उपचार कराने आ रहा है तो उसका उपचार भी 2 से 3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे 20 साल से डायबिटीज है, 15 साल से हाई बीपी की समस्या है, तो उसका उपचार हम 2 दिन में नहीं कर सकते। अगर इसी को अगर अन्य पद्धतियों में हम तुलना करें तो वो पद्धतियां तो सिर्फ एक विकल्प ये देती हैं कि आप जिंदगी भर जब तक इस संसार में हैं तब तक दवाइयां लेते रहें, लेकिन आयुर्वेद ऐसी बीमारियों में भी ये कोशिश करता है कि वहां पे उनकी जो रोग उत्पत्ति के जो कारण हैं उन पे कार्य करे और उन जड़ रोग को जड़ से समाप्त करने का कार्य करे, जिससे कई बार रोगी बहुत अच्छी तरह से सही भी हो जाते हैं और वो रोग उनका पूरी तरह से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसको इस वे में समझना आवश्यक है कि रोग कितना पुराना है और कितना नया है। अगर नई रोग है, कुछ दिन पुराना है, तो आयुर्वेद भी उसमें जल्दी से उपचार देने में सक्षम है। उदाहरण के रूप में अगर मैं ये उदाहरण दूं कि अगर कोई मिर्च खाता है तो तुरंत उसकी मुंह में जलन होती है, पेट में जलन होती है, ज़्यादा खा ले तो फिर जब मल त्याग करने जाता है तो उस हिस्से पे भी उसको जलन महसूस होती है। तो ये एक मिर्च का सामान्य सा उदाहरण है, एक सामान्य सी चीज़ है। इसी आयुर्वेद में भी हर एक चीज़ एक औषधि है, तो आयुर्वेद में भी उसका उपचार और उसका रिजल्ट जो है वो तत्काल नजर आते हैं, लेकिन रोग के ऊपर वो डिपेंड करता है कि रोग की तीव्रता कैसी है। अगर रोग पुराना है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। आयुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ रोगों का निदान ही नहीं करता, रोग आप रोगग्रस्त नहीं हो उसके लिए भी काम करता है। जी निश्चित रूप से, आयुर्वेद का जो मुख्य सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका अर्थ ये है कि अगर स्वस्थ रोगी है तो उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए और जो रोगी व्यक्ति है उसके रोग का निवारण कैसे किया जाए, आयुर्वेद इस पे काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद जो है सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो अगर रोगी हो गया सिर्फ उसका ही उपचार यहाँ उपलब्ध है। अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप स्वस्थ कैसे और बने रहें, आपको रोग ना लगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बनी रहे, उस पर भी काम करता है। अच्छा, आप एज ए डॉक्टर, आपसे यदि हम एक साधारण आदमी जानना चाहे कि मुझे स्वस्थ रहना है, कोई 5 बातें बताएं, तो वो कौन सी 5 बातें? इसके लिए सबसे पहला कार्य हमें अपने दिनचर्या पे करना आवश्यक है, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो लोगों की जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा बदल गई है और बिगड़ चुकी है। जैसे कि हम सामान्यतः सारे दिन रेडिएशन में रहते हैं, रेडिएशन का सबसे बड़ा उदाहरण हमारा मोबाइल है। हम गैजेट्स के आसपास रहते हैं जिनमें रेडिएशंस निकलते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदेह हैं, मन के लिए भी नुकसानदेह हैं। इसी से हमारे कई लोगों की आजकल अगर आप देखें तो मन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर बहुत आते हैं, जैसे कि अवसाद हो गया, स्ट्रेस हो गया, सरदर्द हो गया, आँखों में दर्द हो गया, तो ये मोबाइल गैजेट्स का इसका दुष्परिणाम है। तो हम इस तरह की चीज़ों से पहले दूर रहें। दूसरा, अगर हम देखें तो हमें अपने खान पान में परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आजकल पैकेट में आ रही हैं और ये जान लीजिए कि अगर कोई चीज़ पैकेट में
हैं तो उसमें केमिकल जरूर होगा, अदरवाइज उसको वो सही से प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो हम हर चीज़ में केमिकल ले रहे हैं, चाहे वो मैगी हो या किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो जो पैकेट में है या सील बंद है, तो बिना प्रिजर्वेटिव के, बिना केमिकल के उसको प्रिजर्व नहीं रखा जा सकता। तो उससे शरीर में लगातार दूषित चीज़ें पहुँच रही हैं। तीसरा, हमारे यहाँ भारत में एक और कल्चर है कि जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम अपने शरीर का ध्यान करने के बारे में सोचते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। तो वो हमें नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए कि सुबह उठें तो हम 2 गिलास पानी पिएं या 1 गिलास पानी पिएं, थोड़ा टहलेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी दिनचर्या में लगें। शरीर में आयुर्वेद में जो है एक दिनचर्या का विशेष रूप से बहुत बृहद रूप में वर्णन है, जैसे शरीर पे तेल की मालिश करना, शरीर पे आपके दांतुन तक का वहाँ पे वर्णन है कि जैसे आपको दांतुन करनी है तो किस तरह की दांतुन आपके लिए फायदेमंद है, खाना है तो आपको किस समय में खाना है, इसको लेके एक बहुत विस्तृत विषय जो है वर्णित किए गए हैं। जैसे बात पित्त कफ करके एक सिद्धांत है कि शरीर में किस समय पे बात बढ़ी हुई होती है, किस समय पे भूख का टाइम है तो पित्त बढ़ी हुई होती है, तो ये पूरा विस्तृत डिटेल्ड है। तो लोगों को आयुर्वेद को ही अगर अपनी नियमित दिनचर्या में अडॉप्ट करें तो इस पे भी बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ बातें अगर हम ध्यान रखें तो हम लोग इसमें अब स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए कारगर है। और इसके अलावा अगर चौथी अगर हम कुछ बात बताएं तो इसमें ये कर सकते हैं कि नियमित रूप से अगर हम पंचकर्मा जो है एक डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, जैसे कि हम लोग नियमित रूप से दूषित चीज़ें लेते रहते हैं, शरीर में बहुत सारे विषाक्त पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, तो यदि हम पंचकर्मा कराएं तो जो विषाक्त पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते हैं तो ये हमारे शरीर में धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। तो हम इस तरह की चीज़ों को अपना कर स्वस्थ रह सकते हैं और लंबी आयु पा सकते हैं और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रख सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हर कोई अपना सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में आप हमें और भी उपयोगी जानकारी देंगे, जिससे कि हमारे पाठक, हमारे ऑडियंस उसको देखकर और उसको अपने जीवन में ढालकर अपने आप को स्वस्थ रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।